स्वागत है आप सभी का सुजस ई बुलेटिन की सीरीज में। 31 मई 2024 राजस्थान ने प्राप्त किया है प्रथम स्थान। देखिए राजस्थान ने सोशल मीडिया मतदान जागरूकता में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा। देखिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग के अंदर 11 नवाचारों में हनुमानगढ़ और 12 जिला स्तरीय नवाचार भी किए गए हैं शामिल। शीर्ष 10 स्थानों में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ देखिए राजस्थान के साथ में झारखंड राजस्थान दोनों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कर्नाटक दूसरे स्थान पर, उत्तराखंड तीसरे स्थान पर, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर, इसी प्रकार मध्य प्रदेश, बिहार और केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात और ओडिशा और पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और त्रिपुरा की 10 रैंकिंग जारी की गई है। राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी सोशल मीडिया एक्स, इंस्टाग्राम, एक्स यानी कि आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब रैंकिंग में राजस्थान ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ पहला स्थान झारखंड ने भी प्राप्त किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने इस उपलब्धि पर सभी को बधाई दी है। श्री गुप्ता जी ने बताया कि आयोग द्वारा अप्रैल माह में सोशल मीडिया के प्रदर्शन के आधार पर जारी रैंकिंग में राजस्थान और राजखंड ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सीईओ राजस्थान के एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट्स पर अप्रैल में माह में करीब 11 लाख इंप्रेशन मिले हैं। सबसे अधिक 6.83 लाख इंप्रेशन एक्स पर मिले हैं। नवाचारों में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रहती है। राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स के लिए भारत निर्वाचन आयोग को 11 नवाचारों की सूची भेजी गई थी। इसमें हनुमानगढ़ का एक पाती माता पिता के नाम, हनुमानगढ़ जिले का एक पाती माता पिता के नाम तथा 12 जिले का मारो हेलो जिला स्तरीय नवाचार भी शामिल किया गया। 12 जिले का है नवाचार मारो हेलो और हनुमानगढ़ जिले का है एक पाती माता पिता के नाम। इस दौरान एक्स पर पोस्टिंग 240% तक बढ़ाई गई, इंप्रेशन में 188% बढ़ गए और एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट्स पर 66,700 से अधिक फॉलोवर्स थे और अप्रैल में इनकी संख्या 3,400 बढ़ गई थी। डीआईपीआर के सहयोग से बने 500 से अधिक क्रिएटर, यानी कि अपना जो सुजस बुलेटिन है डीआईपीआर द्वारा जारी किया जाता है, इसके द्वारा 500 से अधिक क्रिएटिव बने हैं। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग डीआईपीआर को सोशल मीडिया सेल ने आयोग के निर्देशों को आम मतदाता तक पहुंचाने के लिए करीब 500 क्रिएटिव ग्राफिक, इंटोग्राफिक, वीडियो, रील आदि तैयार किए गए। इसके अलावा मतदान दिवसों के दौरान आकर्षक, प्रेरणादायी, महत्वपूर्ण तस्वीरों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई गई। इसी के साथ में मोटिवेशनल स्लोगन के लिए रीजनल कंटेंट लोकसभा चुनाव के लिए सोशल मीडिया ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्य योजनाएं भी बनाई थी। देखिए यहाँ से जो आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा कि हाल ही में भारतीय जो जिला स्तरीय नवाचार जो किए गए, भारत निर्वाचन आयोग ने एक रैंकिंग जारी की है कि निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पर किस प्रकार से जागरूकता फैलाई गई है, तो उसमें राजस्थान की कौन सी रैंकिंग रही? तो प्रथम स्थान पर रहा राजस्थान, या राजस्थान का कौन सा स्थान रहा प्रथम स्थान? इसी के साथ राजस्थान के साथ कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? झारखंड। दूसरा स्थान पूछा जाए तो कर्नाटक और तीसरा स्थान उत्तराखंड ने प्राप्त किया। इसके अंदर कौन कौन से जिलों के नवाचारों को भी शामिल किया गया? तो हनुमानगढ़ जिले का एक पाती माता पिता के नाम तथा दूसरा जो जिला है 12 मारो हेलो, ये नवाचार इसमें शामिल किए गए। यही आपके करंट अफेयर्स यहाँ से बनेंगे। इसी के साथ में देखिए दूसरा करंट अफेयर्स, हाल ही में इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में राजस्थान ने जीते 19 मेडल। देखिए इसमें क्या क्या हुआ। अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 में विभिन्न कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 में विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के प्रतिभागियों ने 19 पदक जीते हैं। राजस्थान कौशल एवं मीडिया आजीविका विकास निगम के CMD श्री PC किशन ने बताया कि इंडिया स्किल्स के तहत राज्य स्तर पर आयोजित कौशल प्रतियोगिता के विजेता 29 प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज
और नौ मेडल ऑफ एक्सीलेंस के जीते हैं, नौ मेडल है ऑफ एक्सीलेंस के, दो गोल्ड, पांच सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। केमिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में पिलानी के श्रेयांश शर्मा एवं वुवन फैब्रिक डिजाइन डेवलपमेंट में जोधपुर की पारुल ने गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। देखिए गोल्ड मेडल किस किसने जीता और किसमें जीता, देखिए केमिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में पिलानी के श्रेयांश शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है, केमिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर श्रेयांश शर्मा ने। वहीं पर जोधपुर के वुवन फैब्रिक डिजाइन डेवलपमेंट में जोधपुर की पारुल ने गोल्ड मेडल जीता है। विजेताओं को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कौशल प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसी के साथ में देखिए इन युवाओं को मिले अवार्ड। श्री पीसी किशन ने बताया कि सीएनसी मिलिंग में जयपुर के विपुल माहेश्वरी, हेयर ड्रेसिंग में नागौर की कविता शर्मा, ज्वेलरी में जयपुर के मनीष खुदिया एवं लॉजिस्टिक्स एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग में निष्ठा चौहान ने सिल्वर मेडल जीता है। इसी प्रकार ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में चुरू जिले के लंकेश सैनी, वेब टेक्नोलॉजी में कार्तिक प्रजापत एवं योगा में बूंदी के प्रांशु गहलोत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बेकरी में जयपुर की मोनिमा पुरी एवं क्लाउड कंप्यूटिंग में जोधपुर के दीपक गंगवानी, कुकिंग में जयपुर के जसमित मेहता, साइबर सिक्योरिटी में जोधपुर के कपिल इनानिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में जोधपुर के हर्षवर्धन गहलोत, इंफॉर्मेशन नेटवर्क केबलिंग में जयपुर के शुभम कुमावत एवं रिन्यूएबल एनर्जी में नागौर के मोहम्मद साजिद ने मेडल ऑफ एक्सीलेंस जीता है। इसी के साथ में देखिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। नेक्स्ट अगले देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स में एक और न्यूज बाकी रह चुकी है, मिलावट के खिलाफ सफल अभियान। राजस्थान जो मिलावट के खिलाफ सफल अभियान चल रहा था राजस्थान में, इसमें एनफोर्समेंट सैंपल लेने में देश में प्रथम पायदान प्राप्त किया राजस्थान ने। जयपुर राजस्थान ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए एनफोर्समेंट सैंपल लेने में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन से पायदान में प्रथम स्थान, एनफोर्समेंट सैंपल लेने में। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले राजस्थान में करीब 3 गुना सैंपल एकत्रित कर यह उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में शीघ्र ही मिलेंगे।